हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय जानकी स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में आपको भिन्नों का जोड़ और घटाव निकालना सिखाएंगे बिल्कुल आसान तरीका से। इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका भिन्न है 2/3 + 5/2। देखिए यहाँ पर 2/3 है, तो 2/3 को हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। जब भी कोई संख्या बटा के रूप में हो तो उसे हम भिन्न बोलेंगे। यह भिन्न में देखिए ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। यह भिन्न हो गया, भिन्न को ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे। हर आपका 3 है, यहाँ हर आपका कितना है? 2 है। तो पहले क्या करेंगे, यह दोनों हर को हम एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 को एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 को एलसीएम निकालेंगे पहले। तो देखिए इसमें 3 है और 2 है, इसमें छोटा संख्या कौन है? पहले छोटा वाले को लेते हैं, तो छोटा मेरा 2 है, तो इसको हम 2 से लगाएंगे, तो यह 3 के 3 रहेगा। या 2 से 2 में भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा? एक बार में। फिर अब इसमें हम 3 से लगाएंगे, तो 3 के पहाड़ा में देखिए 3 कितना बार में आता है? एक बार में। यहाँ 1 का 1 हो जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो 2 × 3, इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 6। यही 6 को क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए 6 एलसीएम आया, यह हर से एलसीएम में भाग करेंगे। देखिए यह 3 से 6 में भाग करेंगे, देखिए 3 से 6 में भाग करेंगे। एलसीएम मेरा जितना आएगा उतना से यह हर से भाग करेंगे। तो देखिए 6 में हम 3 से भाग करेंगे तो यह कितना बार में कटेगा? 3 × 6 2 बार में कटेगा। यही 2 से ऊपर में गुना करना है अंश में, तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 4। प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। फिर यह देखिए यहाँ पर हर कितना है? 2 है। या 2 से हम 6 में भाग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 6 में हम 2 से भाग करेंगे तो 2 × 6 कितना बार में कट रहा है? 3 बार में। तो यही 3 से हम इसके अंश में गुना कर देंगे, तो 3 से 5 में गुना करेंगे तो यह कितना जाएगा? 15। अब यह दोनों को जोड़ देंगे तो 15 और 4 कितना होता है? 19। 19 बटा में कितना जाएगा? 6। यही आपका क्या होगा? भिन्नों का जोड़ हो गया। देखिए दूसरा मेरा है 3 है, देखिए इसको भी क्या है? नीचे में हर है। तो देखिए भिन्न के नीचे में जितना हर है सभी को एलसीएम लेंगे, तो हर मेरा कितना? 3 है 4 है 2 है। तो यहाँ पर 3, 4 और 2 तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे छोटा इसमें कौन है? पहले 2 है, तो पहले हम 2 से लगाएंगे। पहले छोटी संख्या से लगाते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो यह 3 के 3 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 4 में तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 2 से भाग करेंगे 2 में तो कितना बार में कटेगा? 1 बार में। अब फिर इसमें हम कितना से लगाएंगे? अब 2 से लगाएंगे, क्योंकि तो मेरा छोटा संख्या कितना है? 2 है, 1 से कोई मतलब नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो यह 3 के 3 रह जाएगा। 2 × 2 और 1 × 1। फिर इसमें आप देखिए कितना से लगाएंगे हम? 3 से। 3 × 3 = 1, इसको एलसीएम में क्या होता है? अंतो अंत तक हमें 1 1 लाना रहता है। अब इसको गुना कर देंगे, 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 × 4 दिया कितना जाएगा? 12। इसका एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। यह 12 को कहाँ? यहाँ नीचे में लिखेंगे, यहाँ बटा दे करके नीचे में 12 लिख देंगे। आप देखिए एक एक कर से यह हर से एलसीएम में भाग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हर मेरा कितना? 3 है। 3 से इस एलसीएम में भाग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 12 में हम 3 से भाग करेंगे, तो 3 × 4 = 12 कितना बार में कटा? 4 बार में। यही 4 से हम ऊपर में गुना कर देंगे, तो 4 से 4 में गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 16। प्लस फिर देखिए यह 4 से हम 12 में भाग करेंगे, यह 12 है, इसमें हम भाग कितना से करेंगे? 4 से। तो 4 × 12 कितना बार में कटा? 3 बार में। यही 3 से हम अंश में गुना कर देंगे, तो अंश मेरा कितना है? 2 है, तो 3 से 2 में गुना करेंगे तो ये कितना जाएगा? 6। प्लस फिर देखिए यहाँ पर मेरा हर कितना है? 2 है, 2 से हम इस एलसीएम में भाग करेंगे, तो 12 में देखिए यहाँ 12 में कितना से भाग करना है? 2 से, तो 2 × 6 = 12 कितना बार में कटाया? 6 बार में। यही 6 से किस में गुना करना है? इसके अंश में, तो 6 से 1 में गुना करेंगे तो यह कितना जाएगा? 6 ही होगा।
अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28/12। यही मेरा आंसर हो जाएगा। घटाव में देखिए यहाँ 5/4 है, -3/2 है, तो पहले हर को एलसीएम लेते हैं, तो 4 और 2 को एलसीएम ले लेंगे, 4 और 2 को एलसीएम लेंगे। पहले हम 2 से लगाएंगे इसमें, तो 2 × 2 = 4, 2 बार में कटेगा, या 2 से भाग करेंगे तो यह 1 बार में कटेगा। अब इसमें 2 से लगाएंगे तो 2 × 1 = 2 और यह 1 के 1 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे, 2 × 2 कितना जाएगा, यह 4। इसका एलसीएम जो आएगा वह कितना आया, 4 आया। अब यही 4 को क्या करेंगे, हम यहाँ बट्टे के रूप में लिखेंगे, तो 4 लिख दिए। अब यह 4 से इसमें भाग करेंगे, तो 4 में 4 से अगर भाग करेंगे तो यह कितना 1 बार में कटेगा, यही 1 से ऊपर में गुना कर देंगे, तो 1 × 5 कितना होगा, 5 माइनस देखिए 2 से इसमें हम भाग करेंगे एलसीएम में, तो देखिए 4 में 2 से भाग किए तो कितना बार में कटा, यह 2 बार में कटा। यही 2 से क्या करेंगे, ऊपर में हम गुना कर देंगे, तो 2 + 3 कितना जाएगा, 6। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो देखिए यहाँ पर यह 6 है या 5 है, तो छोटा में से अगर बड़ा संख्या घटता है तो माइनस होता है, तो माइनस में कितना जाएगा, 1/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके और नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे।